अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अनुपम का हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में। आज हम जानेंगे चने के दाल हमारे शरीर के लिए कितने स्वास्थ्यवर्धक हैं। चने के सेवन से कई रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन आदि पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। चना दूसरी दालों के मुकाबले सस्ता और सेहत के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है। चना शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। आज हम जानेंगे चने के 15 फायदे। पहला है, शरीर को कोई बीमारी नहीं लगेगी। शरीर की सबसे ज़्यादा पोषण काले चने से मिलता है। काले चने अंकुरित करके खाने चाहिए, क्योंकि अंकुरित चने में सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जिन्हें खाने से शरीर में कोई बीमारी नहीं लगती। दूसरा है, चना वजन कम करने में हमारी मदद करता है। रोजाना सुबह उठकर खाली पेट भींगे चने खाने से हमारा वजन कम होने लगेगा। तीसरा है, कमर और पेट दर्द। रात भर भीगे चने को अलग कर उसमें अदरक और नमक मिक्स करके खाने से कमर और पेट दर्द में राहत मिलती है। चौथा, शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए। भीगे चने में नींबू, अदरक के टुकड़े, हल्दी, नमक और काली मिर्च डालकर सुबह नाश्ते में खाएं। इससे शरीर की ताकत बढ़ जाती है और शरीर को ज़्यादा एनर्जी मिलती है। पाँचवा, गर्मी से राहत। चने का सत्तू आपके लिए फायदेमंद होता है और ताकत बढ़ाने के लिए गर्मी में चने का सत्तू, नींबू डालकर और हल्का नमक डालकर पीने से भूख शांत रहती है तथा शरीर को गर्मी से राहत मिलती है। छठा, पथरी की समस्या। आजकल पथरी की समस्या आम हो गई है। दूषित पानी और दूषित खाने की वजह से पथरी की समस्या बढ़ती जा रही है। भीगे चने में थोड़ा शहद मिलाकर खाने से ब्लैडर में पथरी की समस्या ठीक होने लगती है। सातवां, शरीर की गंदगी साफ करना। काला चना शरीर के अंदर मौजूद गंदगी को साफ करता है, जिससे डायबिटीज की परेशानी दूर होती है। आठवां, मूत्र संबंधी किसी भी रोग में भुने हुए चने का सेवन करना चाहिए। इससे बार बार पेशाब आने की दिक्कत दूर हो जाती है। नौवां, पुरुषों की कमजोरी दूर करना। अधिक काम और तनाव की वजह से पुरुषों में कमजोरी आने लगती है, ऐसे में उसके लिए चना किसी वरदान से कम नहीं। दसवां, पीलिया के रोग। पीलिया की बीमारी में 100 ग्राम दाल में 2 गिलास पानी डालकर अच्छे से चने को कुछ घंटे के लिए रख दें और दाल से पानी को अलग कर अब कुछ दाल में 100 ग्राम गुड़ मिलाकर 4 से 5 दिन तक रोगी को दें। ऐसा करने से पीलिया से राहत मिलेगी। 11, मुंह का सौंदर्य। चने के बेसन से आप मुंह का सौंदर्य और झाइयां कम कर सकते हैं। 12, प्रदर रोग। भुने चने के छिलके उतार कर उसे पीस कर चूर्ण बना लें। उसके बराबर उसमें मिश्री का चूर्ण मिला लें और 6 ग्राम की मात्रा में ठंडे पानी के साथ रोजाना सेवन करें। प्रदर में लाभ मिलेगा। 13, मोच में। मोच के स्थान पर चने बांध कर उसमें पानी भर दें। जैसे जैसे चने भींगेंगे आपके मोच निकल जाएंगे। 14, दर्द व सूजन। कमर दर्द, पैर दर्द या कहीं भी दर्द हो तो बेसन में तेल डालकर उसकी मालिश करें। ऐसा करने से सूजन उतर जाएगी। 15, खाज खुजली। चने के बिना नमक के आटे की रोटी बनाकर लगातार 64 दिन खाने से खाज खुजली दूर हो जाती है और दोबारा आपके पास नहीं फटकती। दोस्तों, इस टॉपिक पे ऐसे ही स्वास्थ्यवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अनुपम काया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें।